तो हेलो एवरीवन, ये है एबीसी ग्लोबल के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट। तो आगे यहाँ पर देखते हैं इस शेयर के रिजल्ट्स यहाँ पर कैसे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस शेयर के टोटल इनकम से। तो ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है वो अराउंड कुछ जनरेट नहीं हुई थी, क्वार्टरली बेसिस में 1.89 लाख के करीबन यहाँ पर हो गई है। क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की इनकम है वो यहाँ पर इंक्रीज हुई है। इस शेयर के टोटल एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। ईयरली बेसिस में एक्सपेंस जो है 28.33 लाख थे, जो क्वार्टरली बेसिस में 18.26 लाख के करीबन यहाँ पर हो गए हैं। इनकम के साथ साथ यहाँ पर जो है शेयर के एक्सपेंस भी डिक्रीज हुए हैं। इस शेयर के यहाँ पर जो है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को देख लेते हैं। ईयरली बेसिस में 32.31 लाख था, ब्रैकेट में था यानी लॉस में था, अब जो है 19.64 लाख हो गया है, ब्रैकेट में है यानी कि लॉस में है। आगे हम इस शेयर के जो है अर्निंग पर शेयर को भी देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर 1.63 रुपये था, ब्रैकेट में था यानी लॉस में था, अब जो है 0.99 पैसे के करीबन यहाँ पर हो गया है, ब्रैकेट में है यानी लॉस में है। ओवरऑल एनालाइज करने के बाद देख सकते हैं शेयर के रिजल्ट्स यहाँ पर अच्छे नहीं रहे हैं। प्राइस लेवल की बात करें तो मैक्सिमम टारगेट आपको जो है यहाँ पर 55 रुपये के राउंड तक देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ये शेयर है और आप इस शेयर को यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहें तो अपने ओन रिस्क में इस शेयर को आप जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से होल्ड मत करिए, शॉर्ट टर्म के प्रस्पेक्टिव से होल्ड करके यहाँ पर सेल कर सकते हैं।